हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, है ना। यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भी हम लोग दोस्तों तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की पढ़ाई कर रहे थे, है ना। तो यानी हम लोग सैयद वंश पढ़ रहे थे। सैयद वंश को हमने लास्ट क्लास में पूरा कवरअप किया था, जहाँ तक कि जो है जो जैसे कि आपका पैट का एग्ज़ाम है, बीडीओ है, एसएससी सीजीएल है या यूपीपीसीएल में, और भी जो एफसीआई है, जो वन डे एग्ज़ाम में जो जहां तक जैसे पूछा जा सकता है उस तरीके से मैंने कवरेज किया था और थोड़ा डिटेल में भी आपको लेकर आया था, ताकि क्या है कि मान लो कभी थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपसे हो जाए, ठीक है। तो मैंने कल लास्ट क्लास में ये किया था। लास्ट क्लास में दोस्तों मेरी थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत होने की वजह से क्या हुआ था कि लास्ट क्लास में मेरी वीडियो चलते चलते रुक गई थी, जिसके वजह से हुआ ये था कि मैं जब आपको जो सैयद वंश का अंतिम शासक आलम अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर क्या हुआ था, थोड़ी वीडियो ब्रेक हो गई थी। तो मैं आज वहीं से आपको कंटिन्यू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहलोल लोधी जब पढ़ाऊंगा तो बहलोल लोधी की पृष्ठभूमि तो मुझे बतानी ही पड़ेगी, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर वो बात हो जाएगी, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का, और जो भी मेरी चैनल पर पहली बार जुड़ा है दोस्तों तो उनका भी स्वागत है, और आप उनसे निवेदन है कि दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट कर दें, ठीक है। बस आपसे एक निवेदन ये रहेगा कि आप मेरी वीडियो को पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आप जब वीडियो को ख़त्म करेंगे, जब आप वीडियो को बंद करेंगे, तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस फील होगा और कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मैं ऐसा दूंगा जो आपको शायद कहीं ना मिले, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे, यानी सैयद वंश लास्ट में पढ़ रहे थे। सैयद वंश में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि अब मैं आपको लोधी वंश ही पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको सैयद वंश के जो अंतिम शासक है अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, आलम शाह के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था। इसी से हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों क्या था कि जब ये अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, इससे पहले आपकी वीडियो आप पूरी देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये किसका पुत्र था अलाउद्दीन आलम शाह? तो ये सैयद वंश के मोहम्मद शाह जो शासक थे उनका दोस्तों पुत्र था, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जब राजा बना तो ये ज़्यादा योग्य शासक नहीं था कि दिल्ली सल्तनत को या दिल्ली जैसे बड़े साम्राज्य को ये संभाल सके। हालांकि दिल्ली वैसे भी बहुत सिमट चुकी थी, मगर वो भी उतने में भी वो क्या है कि बहुत कमज़ोर हो चुका था, और ये अपने वजीर की सहायता से शासन कर रहा था। बट क्या हुआ, किसी बात को लेकर क्या हुआ, इसका और इसके वजीर के बीच में विवाद हो गया। तब तो क्या किया, इसको दंडित करने के लिए वजीर ने क्या किया, बहलोल लोधी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित कर दिया, ठीक है। तो इसके वजीर ने क्या किया, बहलोल लोधी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित कर दिया। और मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो बहलोल लोधी था वो क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह जो इसके पिता थे, आलम शाह अलाउद्दीन आलम शाह के जो पिता थे, उसी के शासनकाल से वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में अदा कर रहा था सैयद वंश के अंतर्गत, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, जब उसके वजीर ने उसको निमंत्रित किया इसको दंडित करने के लिए, और वो पहले से भी बहुत महत्वाकांक्षी हो चुका था, वो दिल्ली की गद्दी हथियाना चाह रहा था, और इसी क्रम में उसने महमूद शाह के शासनकाल में ही बहुत सारी शक्तियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दिया था। तो बहलोल लोधी तो चाह ही रहा था कि क्या हो, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कोई गतिरोध पैदा हो और जिसके कारण मुझे क्या हो कि उसमें हस्तक्षेप करने की, है ना, मुझे अवसर मिल जाए और मैं क्या करूँ, दिल्ली को हथिया लूँ। तो और उसको ये मौका मिल गया, उसके वजीर ने, ये आलम शाह के वजीर ने ये मौका दे दिया। तो आलम शाह के वजीर ने जब उसको निमंत्रित किया तो इसने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, और दिल्ली में क्या हुआ, आलम शाह को, अलाउद्दीन आलम शाह को हरा दिया। और अलाउद्दीन आलम शाह जब हारे तो ये भाग कर कहाँ पहुँच गया दोस्तों, बदायूं। मैं अभी स्टोरी बता रहा हूँ, फिर मैं आपको लिखा भी दूंगा। ये भाग कर पहुँच गया दोस्तों बदायूं, अलाउद्दीन आलम शाह भाग के बदायूं चले गए। कब ये दोस्तों युद्ध, कब, 1451 में, ठीक है, भाग गए यहाँ से दिल्ली से। और दिल्ली पर किसका नियंत्रण हो गया दोस्तों, तो बहलोल लोधी का, बहलोल लोधी का। अब ये हो गया दोस्तों बहलोल लोधी का नियंत्रण, यानी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लोधी वंश की स्थापना। तो इस तरीके से लोधी वंश की स्थापना हो गई। अब इनका क्या हुआ दोस्तों, ये जो भाग कर बदायूं गए, तो ये भाग कर जब बदायूं गए, बदायूं कहाँ, ये उत्तर प्रदेश का बदायूं है ना, ठीक है, बदायूं गए, तो वहां पर ये 1476 ईस्वी तक शासन करते रहे।
कब तक दोस्तों? 1476 ईस्वी तक ये शासन करते रहे, और क्या हुआ फिर इनकी डेथ होने के बाद क्या हुआ, जो सैयद वंश है उसकी समाप्ति हो गई, और फिर क्या हुआ दिल्ली में इस तरीके से बहलोल लोदी के नेतृत्व में लोदी वंश की स्थापना हो गई। तो बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से बहलोल लोदी, ये उसकी कुछ पृष्ठभूमि थी। वो जो था तुगलक वंश के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सैनिक पद पर था, यानी मतलब कह सकते हैं एक बहुत बड़े पद पर था, या जैसे जैसे सैनिक के पद पर था, तो उस तरीके से था ये। और ये बहुत महत्वाकांक्षी भी था, और धीरे धीरे ये बहुत शक्तियाँ इसने अर्जित कर ली थी बहलोल लोदी ने। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया। मैंने लास्ट क्लास आप देखेंगे तो और भी आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, बट मैंने आपको फिर भी इतना क्लियर कर दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों, ये सब 1476 होगा। ठीक है, 1476 ईस्वी में तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत पे लोदी वंश की स्थापना हो जाती। अब हम बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं पहले, जैसे कि मैंने बताया ये आपको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखेंगे पहले साथ में थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग लिखेंगे मेरे साथ, जो भी नए हैं उनको भी मेरे साथ लिखते चलना है। ठीक है, और बाकी जो भी पीछे की क्लासेस हैं आप लोगों को क्या करना है, रिकॉर्डेड देख लेना। मेरा रिवीजन है दोस्तों, आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के, आपको नॉलेज मिलेगा। तो हम इसमें पहला तो यही लिख लेते हैं दोस्तों कि आलम शाह का, लिखते चले फटाफट मेरे साथ, आलम शाह का उसके वजीर। अब इसके वजीर कौन था आपको याद नहीं करना, मैं जानबूझकर आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, मुझे नाम याद है बट मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसको कभी पूछा नहीं जाएगा। आपको सिर्फ स्टोरी याद रखनी है, आपको नाम की जरूरत नहीं है, नाम बस आलम शाह का याद रखनी है। आलम शाह का उसके वजीर से विवाद हो गया। अब किसी बात पर विवाद हो गया, कोई विवाद हो गया जिसके चलते उसके वजीर ने, यानी आलम शाह के वजीर ने बहलोल लोदी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो ये पॉइंट ये हो गया, लिख लिया होगा आप लोगों ने, फटाफट मेरे साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लूँ बस, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ एकदम एग्जैक्ट वैसे ही लिखते चलिए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी बात, तो ये हो गई, ये पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, तो देखो जब अब निमंत्रित कर दिया तो क्या होगा फिर, इसमें बात क्या हुआ बहलोल लोदी ने, अब जब निमंत्रित कर दिया तो क्या हुआ, बहलोल लोदी ने आलम शाह को पराजित कर दिया। ठीक है, पराजित कर दिया, और आलम शाह बदायूं भाग गए। ठीक है, फिर मैंने आपको यहीं पर मैं आपको एरो करके लिखा दे रहा हूं, ऐसे आप भी करा लीजिएगा ऐसे करके, यहां आलम शाह 1476 ईस्वी तक शासन करता रहा। ठीक है, तो इस तरीके से अब बहलोल लोदी ने आलम शाह को पराजित कर दिया और आलम शाह बदायूं भाग गए। ठीक है, फिर क्या हो गई, अब हम बात करेंगे फिर क्या हो गई, दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इसको, तो अब हम बात करेंगे आगे लोदी वंश की। ठीक है, तो ये बात हो गई, या इस तरीके से क्या हो जाता है सैयद वंश की समाप्ति, और सैयद वंश की समाप्ति के बाद आता है दूसरा बहलोल लोदी। तो ये दिल्ली, और एक चीज आपको ये याद रखना है, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम वंश है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया है कि 5 वंश ने शासन किया, जिसमें से गुलाम वंश है,
दूसरा खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश है, चौथा सैयद वंश है और पांचवा दोस्तों लोदी वंश है। तो पांच वंश ने शासन किया और ये लोदी वंश जो है वो अंतिम वंश है, इन्हीं की सत्ता को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना होती है जिसमें इब्राहिम लोदी अंतिम शासक होते हैं। इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित कर देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में और क्या होता है फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर एकदम समझ में होना चाहिए, एकदम स्पष्ट शब्दों में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमारी हो गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं और आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं सीधे लोदी वंश की। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि दोस्तों जैसे कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि रैयत आला की उपाधि कौन लेते थे, तो ये याद रखना है आपको कि सैयद वंशी लोग रैयत आला की उपाधि लेते थे। उधर तैमूर लंग के लोग जो मंगोल थे वो भी दोस्तों रैयत आला की भी उपाधि लेते थे। तो आपको ये याद रखना कि पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किसने रैयत आला की उपाधि धारण की। अगर वंश का नाम लिखे तो सैयद वंश, और अगर किसी शासक का नाम लिख के आ जाता तो खिजर खां का नाम लिख कर आएगा ज़्यादातर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो ये हम बात करते हैं, देखो दिल्ली सैयद वंश के बारे में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो याद रखना है खिजर का। और खिजर का कौन था, तो तैमूर लंग का प्रतिनिधि था। ये मैंने कल पढ़ाया आपको, कल की क्लास आप देखेंगे तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों लोदी वंश, एक नया वंश आया है लोदी वंश। दोस्तों लोदी वंश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते इसलिए ज़्यादा है, मैं अभी आपको बताता हूँ लोदी वंश के बारे में, ठीक है। लोदी वंश के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आपको मैं यहां पे एक चीज बता दूं कि जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी वंश हुए हैं, लोदी वंश को छोड़ दिया जाए, जो चार वंश हुए हैं जैसे कि आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश और सैयद वंश, ये चारों के जो सुल्तान थे, और ये कौन थे, ये तुर्की थे, यानी तुर्की थे, तुर्की के अंदर सुन्नी थे, ठीक है। तुर्की के अंतर्गत मुस्लिम थे, पहली बात तो मुस्लिमों में तुर्की थे और तुर्कियों में दोस्तों ये सुन्नी थे, तो मुस्लिम में सुन्नी और सुन्नी के अंतर्गत तुर्की जाति के थे, ठीक है, ये मैंने बताया। और तुर्की जाति के अंतर्गत इलबरी से थे संबंधित थे, ये मैंने जब आपको इल्तुतमिश पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था। तो लोदी वंश में ये पहला वंश था जो अफगान था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये कौन थे, ये अफगान थे, लोदी अफगान थे। तो यानी क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, जो दिल्ली सल्तनत का जो तुर्की प्रभुत्व है, हालांकि तुर्की प्रभुत्व को कई शासकों ने तोड़ने का प्रयास किया है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने, खिलजी ने क्या किया था, खिलजी क्रांति इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि खिलजी ने क्या किया था कि तुर्की के अलावा अन्य लोगों को भी प्रशासन में शामिल किया, यानी निम्न जाति के लोग भी बट ज़्यादातर मुस्लिम ही होते थे। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने और उससे एक कदम का आगे बढ़कर काम किया, उसने क्या किया, उसने हिंदू वर्ग के लोगों को भी प्रशासन में शामिल किया, हिंदू में दोस्तों उसने निम्न, मुस्लिम में भी उसने निम्न जाति के लोगों को शामिल किया, उसने सूफियों को प्रशासन में शामिल किया। इस तरीके से क्या हुआ, तुर्की जो प्रभुत्व है धीरे धीरे टूट रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से खत्म, यहाँ पे तो सुल्तान ही बदल गया, वहाँ पे तुर्की सुल्तान तो बैठता था कम से कम, बट यहाँ तो सुल्तान ही बदल गया, यानी यहाँ तुर्की खत्म। तो तुर्की प्रभुत्व यहाँ खत्म और फिर क्या हुआ, एक नए जाति के लोग आ गए, यानी कौन, अफगान। अफगान भी मुस्लिम ही थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये एकमात्र शासक वंश है जो अफगान था दिल्ली सल्तनत के अंदर, बाकी सब तुर्की थे, ये चीज़ आपको स्पष्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब सबसे बात हम बात करते हैं, पहले हम थोड़े से आपको एक चीज़ एक आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको एक चीज़ याद रखना है कि इनका काल, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तुर्की का जो लोदी वंश है ये कब तक शासन किया, कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर हमें पता होना चाहिए बी नंबर कि इनका दोस्तों इनके जानकारी का स्रोत क्या है, क्योंकि इनकी जानकारी का स्रोत भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए स्रोत क्या है, ठीक है। फिर क्या दोस्तों, सी इनके जो प्रमुख राजा है, कितने राजा हैं, प्रमुख राजा का नाम हमको पता होना चाहिए, है ना। फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले आपको ये स्ट्रक्चर आपको पता हो, ठीक है, इसके बारे में पहले आपको काल के बारे में पता होना चाहिए कौन है, इनकी जानकारी का स्रोत क्या है, क्योंकि ये पुस्तक पूछी जाती है, और फिर इनके प्रमुख राजा कौन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो काल अगर हम बात करें दोस्तों, तो काल जो है इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों ये कब से कब तक है, तो ये दोस्तों है 1451 ईस्वी में, जब से लोदी ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था वहाँ से लेकर दोस्तों 1451 ईस्वी से लेकर, ठीक है दोस्तों, कब से कब तक, तो 1526 तक। कब, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, तो यहां से यहां तक, ठीक है। एक चीज और आपको मैं बता दूं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले कौन थे, तो तुगलक, ये पूछा जाता है, और सबसे कम समय तक तो खिलजी,
खिलजियों ने मात्र 30 वर्षों तक शासन किया था, 1300 बल्कि 16 तक ही बोल दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, तो 26 साल तक लगभग उन्होंने 26-27 साल तक शासन किया था। तो तुगलक सबसे ज़्यादा, और अंतिम वंश कौन था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो लोधी वंश। ये सारी चीज़ें एक पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ तक, अब इसके बाद क्या है इसकी जानकारी का स्रोत, तो इसकी जानकारी का स्रोत एक पुस्तक है तुफात ए शेरशाही। ये किसकी पुस्तक है, तुफात ए शेरशाही, ये किसकी पुस्तक है, तो ये दोस्तों है अब्बास खां शेरवानी, इनकी पुस्तक है। ये पुस्तकों का नाम भी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पुस्तक है, ठीक है, जैसे तारीख है फिरोज शाही पूछ सकता है ना, तो तहकीक है हिंद के बारे में कौन इतिहास कौन रचनाकार हैं वो पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको पुस्तकों के नाम भी याद रखने, और मैंने हर टॉपिक में जो जहाँ से रिलेटेड है मैंने आपको बहुत सारी पुस्तकों का नाम धीरे धीरे करके लिखा दिया जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब्बास शेरवानी जिसके लेखक थे और जानकारी का स्रोत है ये लोधी वंश के लिए, ठीक है। तो ये चीज़, अब प्रमुख राजा के अंतर्गत अगर हम बात करें कौन कौन पढ़ते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसके जो संस्थापक हैं बहलोल लोधी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा कौन पढ़ते हैं, तो दूसरा फिर हम पढ़ते हैं सिकंदर लोधी, इसी के बाद आता है, तीन ही शासक पढ़ते हैं सिकंदर लोधी, चौथा कौन है, तो इब्राहिम लोधी, जो अंतिम शासक होता है दिल्ली वंश का भी और लोधी वंश का भी, ठीक है। कभी पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी, और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो भी इब्राहिम लोधी, ठीक। ये आपको स्पष्ट पता होगा, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसे इसलिए बता रहा हूँ तो आप भी थोड़ा, जैसे मैंने बोल रहा हूँ तो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं याद है तो आप नोट भी करते चलें, और जो मैं नोट कर रहा हूँ वो तो करना ही करना, मगर जो चीज़ें मुझे देखो, अब मैं हर चीज़ यहाँ पे मैं वो चीज़ें पीछे पढ़ाते आ रहा हूँ तो उसको मैं बार बार आपको रिपीटेशन में ला देता हूँ ताकि आपके दिमाग में जहन में एकदम घुस जाए वो चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें अब इतनी बात आपने लिख ली होगी, अब हम बात करेंगे दोस्तों एक एक शासक के बारे में। देखो दोस्तों इनके क्षेत्र के बारे में आप पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि क्षेत्र इनका कुछ ज़्यादा डिफाइंडेड नहीं रहता है, किसी पुस्तक में भी आपको नहीं मिलेगा, बट ये है कि आप ये दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतते हैं और वहाँ पर ये शासन करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर उत्तर भारत में ही सीमित रहते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, और आपके इन पेपरों के लिए आपसे वो क्षेत्र तो पूछा नहीं जाएगा, जो मैं लिखा रहा हूँ वही पूछा जाएगा। तो ये बात होगी, अब हम प्रमुख राजा हैं दोस्तों बहलोल लोधी, अब आप लोग बहलोल लोधी हेडिंग डालेंगे और मेरे साथ लिखते चलेंगे और सुनते भी चलेंगे। तो अब कौन है दोस्तों हेडिंग, बहलोल लोधी। इसका हालांकि मैं लिख दे रहा हूं मगर आपको भी याद करने की जरूरत नहीं कि कब से कब तक था ये, 1526 से लेकर ये कब से कब तक, तो 1589 ईस्वी तक इसने क्या किया है, शासन किया है, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं रखना है बट ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको एक क्लैरिटी के लिए बस काम आएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी याद करने की कोशिश मत करिएगा, बस याद रखिए कौन कौन शासक थे, ठीक है। तो ये चीज़ बात हो गई हमारी, अब हम बात करते हैं दोस्तों बहलोल लोधी। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बहलोल लोधी या लोधी वंश जो थे, ये अब लोधी जो थे ये अफगान थे, और यहाँ पर दिल्ली पर अभी तक क्या था कि तुर्की प्रभुत्व था। जब लोधी ने, जब क्या हुआ कि दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया और दिल्ली पर क्या किया, लोधी वंश की स्थापना की, तो इससे हुआ ये कि जो वहाँ के तुर्की प्रभुत्व के जो अमीर वर्ग के लोग थे वो क्या थे, वो किसी, मान लो अभी तक तुर्की प्रभुत्व था और अब लोधी लोग आ जाएंगे तो उनको, और वो निम्न जाति के लोग थे ये, तो इनको, और ये ट्राइबल जाति से, निम्न भी जाति नहीं, ट्राइबल जनजाति से संबंधित थे, तो ये जब सत्ता पर आसीन होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर विद्रोह होंगे, और क्या होगा, इनको आधार भी नहीं प्रदान मिलेगा। भाई साम्राज्य चलाना है तो आधार चाहिए, जिसमें अमीर हो, उलेमा हो, सारे लोग हों जो जिनसे शासन चलता है। तो इसने क्या किया, इस अपने साम्राज्य को आधार देने के लिए इसने क्या किया कि जो अफगानी लोग थे उनको क्या किया, पहली बात तो क्या किया, उनके बीच भाईचारे का एक अस्त्र की तरह उपयोग किया, यानी इसने शासन को में बंधुत्व एवं भाईचारा को लागू कर दिया, ठीक है, बंधुत्व एवं भाईचारों को लागू किया। क्यों, क्योंकि ये जानता था कि अगर हम भारत दिल्ली पर शासन करना चाहते हैं तो हमें क्या है कि हमें जो अफगानी लोग हैं उनको अपने पक्ष में करना होगा,
क्योंकि यहाँ पे तुर्की प्रभुत्व है और तुर्की प्रभुत्व के विरुद्ध अगर हमको सत्ता का स्थापना करना है तो हमें अपने लोगों को या अफगान लोगों को अपनी तरफ करना है। और अफगान लोगों को ऐसे अपनी तरफ किया जा सकता है जब जब हम उनके बीच में समानता का भाव, बंधुत्व का भाव लाएं कि हम जो हैं दिल्ली पर अगर शासन कर रहे हैं तो हम एक शासक की तरह नहीं, एक सुल्तान की तरह नहीं, आपके बड़े भाई की तरह शासन करेंगे। इससे क्या होगा, लोगों में एक मैसेज पहुंचेगा कि सुल्तान जो है वो हमारा बड़ा भाई है और अगर हम उसकी कोई बात, हमको अगर हमको कोई दुख होता है तो हम उसके पास जा सकते हैं। इसके लिए उसने बहुत सारा काम किया। क्या किया इसके लिए उसने, क्या किया, अफगानियों को अफगानिस्तान से बुलाकर भारत में बसाया, भारत में बसाया और फिर क्या किया, उनको क्या किया, उनको अमीर बड़े बड़े पदों पर आसीन कराया। ठीक, फिर क्या किया इसने, दूसरा क्या होता, इसने क्या किया, इसने भाईचारे की तरह क्या किया, ये कभी इसने क्या किया कि कभी ये जो है सिंहासन पर नहीं बैठा, ये क्या करता था, हमेशा कालीन पर बैठता था। मान लो जैसे ये अमीर वर्ग लोग बैठे हैं, सब लोग कालीन पर बैठते थे, सब लोग ऐसे अमीर वर्ग, तो ये बीच में क्या होता था, बीच में ये कालीन पर बैठता था। कभी पूरे अपने शासनकाल में इसने लगभग 28-29 साल तक शासन किया है ना। अरे ये मैंने क्या लिख दिया, 1526 लिखा है क्या मैंने, सॉरी दोस्तों, सॉरी 1451 से लेकर, सॉरी दोस्तों, 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक, सॉरी मैंने देखा नहीं अभी, मैं दोस्तों फ्लो में लिख दिया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये क्या होता था, बीच में इस तरीके से कालीन पर बैठता था, यानी ये पूरे सिंहासन, ये 28 साल तक इसने शासन किया अपने भारत में, 28-29 साल तक। ठीक है, बट ये 30-38 साल तक है ना, 51 से लेकर इतने शासन, बट ये कभी सुल्तान जो है कालीन पर नहीं बैठा। ठीक है, कालीन पर नहीं बैठा। ठीक है, इस तरीके से ये तो ये दिखा रहा है कि ये भाईचारे को दिखा रहा कि नहीं, हम राजा बने हैं, हम सिर्फ क्या है कि हम शासन चला रहे हैं। जैसे परिवार में एक बड़ा भाई होता है, घर को चलाता है, उसी तरीके से हम आपके बड़े भाई हैं और आपकी सलाह मशवरे के मुताबिक, सहायता एवं सलाह के मुताबिक मैं शासन चलाऊंगा। और वो सही बात है, अपने जो अमीर वर्ग थे, जो अफगान लोग थे, उनकी हमेशा सलाह लेता था और सलाह एवं जो सहायता से शासन संचालित कर रहा था। और यहाँ तक नहीं दोस्तों, वो अफगान जो अमीर थे उनके घर भी जाता था, उनके घर जाता था, जैसे मान लो कभी क्या हो, कोई बात हो जाए, कभी कोई अमीर रुष्ट हो जाए तो उनको मनाने उसके घर चला जाता था, और जो उसका खाना था अमीरों का घर से आता था, यानी उसके यहाँ कभी भी वो अपने जो दरबार है वहाँ का खाना नहीं खाया, हमेशा अमीरों के घर से उसके घर में उसके लिए खाना आता था, कभी किसी एक अमीर घर से आ गया, कभी दूसरे अफगान अमीर के घर से आ गया। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, बंधुत्व एवं भाईचारे की नीति अपना रहा है। ये क्यों कर रहा है, क्या वो ऐसा वैचारिक रूप से कर रहा है या ऐसी कोई उसकी विचारधारा थी, तो नहीं, वो राजनीति के लिए ऐसा कर रहा है। वो जान रहा है कि अगर हम अफगान को अपनी तरफ नहीं करेंगे तो तुर्की प्रभुत्व का जो अभी तक चला आ रहा था दौर, उसके खिलाफ हम सत्ता को नहीं स्थापित कर पाएंगे, सत्ता को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने ये सारी नीतियां बनाई। और इस ये सारी नीति को क्या बोलते हैं दोस्तों, साहू खेल पद्धति। ये सारी नीति को क्या बोलते हैं दोस्तों, साहू खेल पद्धति। कभी आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए पीटी का मेंस, अगर आप यूपीपीसीएस का मेंस देते हैं तो आपसे पूछ सकता है कि साहू खेल, जो बहलोल लोधी की जो साहू खेल की पद्धति थी वो क्या थी, विवेचना कीजिए। तो आपको यही सब पॉइंट लिखने हैं उसमें, और ज़्यादातर नहीं, आप सिर्फ 50-100-150 वर्ड में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा, आराम से आप लिख लेंगे। तो आप मेरी बात को समझ में आ गया होगा आपने, मैं अब इसको पॉइंट में लिख दूँ, बात अब आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, पॉइंट में इनको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैं अब लिखता हूँ इसको, ठीक है, इसके लिए दोस्तों सॉरी, मैं फ्लो में था, उधर ध्यान दे रहा था, मैं लिख दिया पता नहीं कैसे। तो चलिए, अब आप पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, बहलोल लोधी के अंतर्गत क्या लिखेंगे, कि यहाँ क्या लिखेंगे, क्या दिल्ली यहाँ लोधी वंश का संस्थापक था, या लोधी वंश का संस्थापक था, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या लिखेंगे, ठीक है, पहली दूसरी चीज क्या करेंगे लिखेंगे, इसने शाहू खेल की पद्धति को अपनाया, अब इस साहू खेल पद्धति के अंतर्गत क्या है,
देखो वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि देखो जो अफगान थे वो ट्राइबल जनजाति से आते थे और ट्राइबल जनजाति में राज्य राज्य जैसी कोई राज्य जैसी कोई संकल्पना नहीं थी। वहां पे वहां का प्रधान जो था वो शासन चलाता था और प्रधान क्या होता था, सिंहासन जैसी वहां कोई संकल्पना नहीं थी। वो इसीलिए उसने क्या किया कि उसने भी कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, क्योंकि वो ट्राइबल जनजाति से आते थे और ट्राइबल जनजाति में राजा जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो राजा जब जैसा कॉन्सेप्ट कोई है नहीं और यहाँ पे एकदम अचानक से राजा जैसा कॉन्सेप्ट देखेंगे तो अफगान लोग उससे जुड़ नहीं पाएंगे। अफगानों को अपने तरफ जोड़ने के लिए, अफगानों को अपना दिखाने के लिए अपनी समानता और भाईचारे की नीति इसीलिए अपनाए, और इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, साहू खेल पद्धति। तो साहू खेल पद्धति के अंतर्गत हम क्या क्या पॉइंट लिख देंगे इसमें, तो जैसे सबसे पहले लिखेंगे कभी भी अपने शासनकाल अपने शासन काल के दौरान कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, सिंहासन पर नहीं बैठा बल्कि वह कालीन पर बैठता था। ठीक है, ये हो गया अमीरों के घर जाता था, अमीरों के यहाँ से उसके लिए खाना आता था। ठीक है, ये पॉइंट इसमें लिख दिए जाएंगे। बाकी मैंने जो समझाया वो आपको ज़्यादा सटीक लगा, बट मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया बस, हालत थोड़ा सा है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इसने साहू खेल की पद्धति को अपनाया, लोधी वंश का संस्थापक था, ये चीज़ आपको इसमें बारे में, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा किसी भी पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमारी हो गई। और इसके बारे में एक चीज़ और भी कहा जाता है इंग्लिश में, जैसे कि फर्स्ट अमंग द इक्वल, ये भी एक सेंटेंस है, फर्स्ट अमंग द इक्वल है ना, ये इसने नीति अपनाई, फर्स्ट अमंग द इक्वल की नीति इसको कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, समानता का जो रूल है उसने अपनाया था। ठीक है, भाईचारे में सिद्धांत का। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये इस तरीके से उसने अपना शासन चलाया और पूरे शासनकाल में ये इस तरीके से शासन चलता रहा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने शासन को आधार दिया, अपने शासन को आधार देने के लिए ये सारी चीज़ें की, मैंने आपको चीज़ें समझाई। ठीक है, तो ये बात हो गई होगी। पूछा आपसे सिर्फ इतना ही जाएगा कि किसने साहू खेल की पद्धति को अपनाया, कौन लोधी वंश का संस्थापक था, ये इन पेपरों में आपसे यही पूछा जाएगा। बाकी वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए, आपको ताकि याद रहे लंबे समय तक, इसलिए मैंने आपको कहानी बता दी आपको। ठीक है, तो ये वरना और डीप में लिखने का स्पेस है इसमें, अभी मैं लिखा सकता हूँ, बट आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन पेपरों के लिए। ठीक है, तो ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ये वन डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस हो किसी भी सीजीएल एसएससी सीजीएल का, या कोई भी मेंस आप दे रहे हो यूपीपीसीएस और दोस्तों यूपीएससी को छोड़कर मेंस, बाकी सारे आप इसे आराम से कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये इसके बाद दोस्तों सिकंदर लोधी, ये तो दोस्तों हो गई हमारी बहलोल लोधी के बाद। ठीक है, बहलोल लोधी की बात हो गई, बहलोल लोधी के बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों सिकंदर लोधी। ठीक है, ये कब से कब तक दोस्तों, ये कब से कब तक, तो ये दोस्तों 1400 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक अब ध्यान देके लिखेंगे वरना फिर भी उसी तरीके से लिख देंगे। तो ये इसने इसने आसान, मैं लिख दे रहा हूँ आपको नहीं याद रखना कि क्या है, आपको बस पल की याद रहना चाहिए, बस ऐसे थोड़ा सा स्पेस पता रहेगा आपको। तो ये इसने क्या किया दोस्तों, इसने क्या किया, जो लोधी राजत्व का जो सिद्धांत था, जो बहलोल लोधी ने साहू खेल की पद्धति अपनाया था, उसको त्याग दिया। और इसने क्या किया, इसने अपना जो राजत्व का जो सिद्धांत बहलोल लोधी ने दिया था उसको पूरी तरीके से त्याग दिया, और उसने
क्या किया इसने, ये भी ये सिंहासन पर बैठे लगे, जैसे बहल जैसे अलाउद्दीन खिलजी या बलवंत जैसे लोग एकदम शक्तिशाली तरीके से शासन चला रहे थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, ऐसे ही इसने भी क्या किया, बिल्कुल उसी तरीके शासन शुरू कर दिया, साहू खेल की पद्धति को पलट दिया, को त्याग दिया। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, साहू खेल की पद्धति को त्याग दिया, ठीक है, ये किया इसने। दूसरा फिर लिखते चलना, बलवन एवं अलाउद्दीन खिलजी की तरह निरंकुश शासन की पद्धति को अपनाया, अपनाया, ठीक है, अपनाया, जिसके तहत इसने पहली चीज क्या कर दी, जिसके तहत, ठीक है, क्या की पहली बार इसने, पहला काम किसने क्या किया कि यह सिंहासन पर बैठने लगा। बहलोल लोदी कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा और यह क्या किया इसने, यह सिंहासन पर बैठने लगा। एक और चीज़ है इसके बारे में, कहा जाता है कि जब कभी ये मान लो अपने राजदूत को इक्तादारों के पास बैठता था तो इक्तादारों से कह देता था कि आप राजदूत से मिलने के लिए 6 कोस दूर, अपने राज जो इक्तादार है उसे 6 कोस पहले ही मिल जाएंगे, वो इक्तादार आपके, वो जो राजदूत है अगर आपके इक्तादार पर पहुँच गया या आपके स्थल पहुँच गया तो आप दंडित किए जाएंगे। तो ये दिखा रहा है कि वो क्या है, वो सुल्तान का राजदूत है तो आपको सम्मान के तौर पर उसको क्या है 6 कोस पहले ही अपने इक्ता के क्षेत्र से 6 कोस पहले ही उससे मिल लेना है, वो कभी भी आपके इक्तादारी के क्षेत्र पर अगर आ गया तो आपको दंडित करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको वो दिखा रहा है ना। तो क्या किया फिर, क्या राजदूत से मिलने के लिए इक्तादारों से 6 कोस पहले ही मिलने को कहा। तो ये सब दिखा रहा है कि वो निरंकुशता की तरह काम कर रहा है और उसने क्या कर दिया है, जो साहू खेल की पद्धति है उसको त्याग कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, राजदूतों से मिलने के लिए इक्तादारों से 6 कोस पहले मिलने को कहा, यानी आपके इक्तादार आने से पहले, इक्तादारी के क्षेत्र में आने से पहले ही आप 6 कोस पहले आगे खड़े हो जाएंगे, राजदूत का इंतजार करेंगे, राजदूत आएगा आपको जो सुनाना होगा, जो समाचार आपको देना होगा वो, या वो जो समाचार देना चाहते उसको लेंगे तब वो जाएगा। तो इस तरीके से दिखा रहा है कि वो राजा का राजदूत है और उसको सम्मान के तौर पर आप यहाँ पर आके मिलिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसने करा है, तो इस तरीके से वो निरंकुश था। फिर और क्या किया इसने, और इसके शासनकाल में क्या है, इसके में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है कि इसने आगरा नगर को बसाया था, इसने आगरा नगर को बसाया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने आगरा नगर बसाया, तो याद रखना है कि इसने सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर को बसाया, ठीक है, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में एक दो पॉइंट और है, अभी मैं लिख लो। और इसने क्या किया, तो इसने दोस्तों इसने एक चीज और की, यह हाँ इसमें एक चीज और पॉइंट है, चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, यह गुलरुखी नाम से, यही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, यह गुलरुखी नाम से, गुलरुखी लिख लेना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, कविता किस नाम से, तो गुलरुखी पूछा जाता है, कविता लिखता था, है ना, ये याद रखना है, यह गुलरुखी नाम से कविता
लिखता था, ठीक है। और इसके बारे में क्या है, और इसके बारे में क्या है, एक पॉइंट और इसके बारे में लिखेंगे आप लोग, ठीक है। और एक इस बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी पांचवा, इसने दिल्ली सल्तनत ने इसने पहली बार दोहरे गुंबद का निर्माण कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने पहली बार दोहरे गुंबद का निर्माण करवाया। ये दोस्तों हम लोग जब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापत्य पढ़ते हैं तो और डिटेल से पढ़ते हैं कि गुंबद क्या होता है, मेहराब क्या होता है, अरबस्का क्या होता है, ये सारी चीज़ें होते हैं। बट मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। मैंने क्या कहा था, एक दिन मैं आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितनी भी जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उनको मैं एक दिन लेकर आऊँगा और उसके तहत मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा, वो मैं आपको पॉइंट में लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो जब दिल्ली सल्तनत समाप्त होगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कल हो सकता है मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। तो इसने पहली बार दोहरे गुंबद का निर्माण करवाया, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाता कि पहली बार मकबरा का निर्माण किसने करा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भारत में, तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा उसने बनवाया था। फिर आपसे पूछा जाता कि पहली बार जो है इस्लामी पूर्णता इस्लामी पद्धति पर बनाया गया कौन सा संरचना है, तो अलाई दरवाजा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, ठीक है। और इसी तरह पूछा जाता है अष्टकोणीय आधार पहली बार किसने प्रदान किया, तो खान ने जहाँ तेलंगानी के मकबरे में दिया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको फिरोज शाह तुगलक ने उसका निर्माण कराया था। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि पहली बार जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपको इसके बारे में इतना, बस इतने से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। तो ये हो गई दोस्तों सिकंदर लोदी। अब हम बात करेंगे दोस्तों इब्राहिम लोदी। बट दोस्तों इब्राहिम लोदी को अगर हम इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं तो हमें मज़ा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जब तक हम उससे को क्या है, इब्राहिम लोदी को जब तक हम बाबर से जोड़ के नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें उसके बारे में मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो हम लोग इसको दोस्तों कल करेंगे, कल हम लोग बाबर साथ करेंगे। बट चलो एक पॉइंट इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूँ, एक घडोली की लड़ाई इसके बारे में पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे। चलो लिख लो, क्योंकि मान लो आज लोदी वंश खत्म ही हो रहा है तो खत्म ही कर दो। अब लास्ट है दोस्तों इब्राहिम लोदी। ये बहुत ही अयोग्य शासक था दोस्तों, इब्राहिम बेखबर एकदम, इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये कब से कब तक, तो 1517 से 1526, ठीक है, 1517 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बारे में बस दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहली, एक इसके काल में दो लड़ाइयाँ हुई हैं, याद रखना है। पानीपत की जो सबको याद रहता है, पहली आपको याद रखना है घटोली की लड़ाई, ठीक है। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डेट याद करने की जरूरत नहीं है। घटोली की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों, ये तो किसके मध्य हुई, तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, है ना, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। राणा सांगा के बीच हुई जिसमें राणा सांगा की विजय हुई, यानी इब्राहिम हार गया था, राणा सांगा की विजय हुई। ये एक कुछ विजय लिख लो, पहले विजय हुई। ये दोस्तों योग्य सेनानायक नहीं था, ये बिल्कुल लचर रुचुर एकदम समझ लो, कह लो, है ना, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुई जिसमें राणा सांगा की विजय हुई, ठीक है। तो राणा सांगा जिसमें जीत गए थे घटोली की लड़ाई। दूसरा दोस्तों क्या होता है फिर, हम ठीक है, फिर हम बात करते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई। इसकी डेट याद रखना क्योंकि ये इतिहास में एकदम मोड़ की तरह, मैं कल बताऊंगा इसको आपको डिटेल से, 1526 ईस्वी में ये इतिहास, इसकी डेट याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये इतिहास के लिए, ये इतिहास में मोड़ ला देता है एकदम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं ना किसके बीच में, बाबर एवं इब्राहिम लोदी
जिसमें के बीच जिसमें इब्राहिम पराजित हुआ, इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, एवं लोदी वंश की समाप्ति हुई, लोदी वंश की समाप्ति हुई, लोदी वंश एवं दिल्ली लोदी वंश और ब्रैकेट में कर लो दिल्ली सल्तनत याद भी रहना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत की भी यही समाप्ति हो जाती है। दिल्ली सल्तनत लोदी वंश की कांत, लोदी वंश का दिल्ली सल्तनत की समाप्ति, ठीक है, यही लग लो, या लोदी वंश की समाप्ति और दिल्ली वंश की समाप्ति, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसके बारे में, हम थोड़ा कल आपको बढ़ाऊंगा बाबर से जोड़कर, जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी स्टोरी है, वो थोड़ा लंबा जाएगा, तो उसमें तभी बीच में रोक देना कोई मतलब की काम नहीं रहेगा दोस्तों। तो कल हम इसको बाबर के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, बाबर और राणा सांगा दोनों के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट शक्तियाँ होती उस समय की, ठीक है। तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, तो दोस्तों ठीक है, तो कल हम लोग इसको देखेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और हाँ अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और दोस्तों अपने जो भी दोस्त हैं यार हैं जो पढ़ने वाले हैं वास्तव में जो चाहते हैं पढ़ना अच्छा, तो उनको दोस्तों जरूर शेयर करें और उनके पास ये वीडियो जरूर दें, ठीक है, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, ठीक है, कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे नॉलेज को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ खुद से मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ दोस्तों, कि आप लोग जो हैं अपने नोट्स खुद से बनाएं, खुद से आप अपने तैयारी करें, आप अपने को टाइम दें, क्योंकि जो बाज़ार में जो चीज़ें चल रही हैं दोस्तों उससे थोड़ा बच के रहने का मतलब यह है कि दोस्तों बहुत सारा कंटेंट है आपको मिल जाता है बट आपसे याद नहीं होता। उसका रीज़न ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमें PPT में कोई चीज़ मिल जाए और हम वहाँ से कर लें और फिर हमसे हो जाए, तो नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आपको खुद से नोट्स बनाएं, अपने सेल्फ नोट्स बनाएं, आप अपने खुद से पढ़ें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको पेपर के टाइम रिवीजन करने में वही बहुत हेल्पफुल होते हैं। और थोड़ा सा आप कहानियों की तरह पढ़िए, हिस्ट्री को दोस्तों कहानियों की तरह पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग दोस्तों कल मिलेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और दोस्तों सलामत रहें, बाय, जय हिंद दोस्तों।